हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही फेमस रेसिपी है। आप सबने ट्राई की होगी ज़रूर से अपने घरों में। तो उस रेसिपी का नाम है गट्टे की सब्जी, या फिर आप इसे बेसन की सब्जी भी कह सकते हो। गट्टे की सब्जी बेसिकली राजस्थान में बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हरी सब्जियाँ पहले नहीं पाई जाती थी, इसीलिए लोग कुछ यूनिक यूनिक तरीके के सब्जियाँ ट्राई करते थे, जिनमें से सबसे स्पेशल सब्जी जो होती है उनकी, वो है गट्टे की सब्जी। तो आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे गट्टे की सब्जी, जो कि बहुत ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ट्रस्ट मी, अगर आप भी मेरे साथ ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। थैंक यू। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है, फिर थोड़ा सा आप देख सकते हो अजवाइन और काली वाली तिल ले ली है, और ये मेरे मसाले हैं जो मैं डालूंगी गट्टे की सब्जी में। इसमें रेड चिली है, इसमें धनिया पाउडर है, जीरा है, सरसों है, हल्दी पाउडर है एंड नमक है, और मैंने खड़ी लाल मिर्च इसमें रख दी है ताकि मुझे इजी हो बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें एक कप बेसन डालूंगी, उसके बाद मैं एक टेबलस्पून अजवाइन और एक टेबलस्पून मंगरेला डालूंगी। ये डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा होता है और इसे डाला भी जाता है। फिर 1 टेबलस्पून हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, बिल्कुल हार्ड रहेगा, और इसको इतना आपको मलना है ना ताकि ये थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो गट्टा बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट लगेगा और खाने में काफ़ी टेस्टी है, इसलिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। आप देख सकते हो कि ज़्यादा गीला नहीं है और आटा की तरह ही आप उसे गूंथोगे, बट थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट करना मल के, ताकि गट्टा जो है वो अच्छे से खाने में सॉफ्ट लगे। हो चुका है, मैंने इसे रेडी कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी ना, गट्टे को छोटे छोटे इसकी लोई बनाऊँगी गोल गोल, और फिर इसे सेप दूँगी लंबे लंबे सा। आप देख सकते हो ये बहुत ही आसान है बनाने में। ऐसे करके मैंने सारे गट्टे को बनाया है गोल करके, फिर मैंने इसे लंबा कर दिया है। उसके बाद मैंने एक बॉल में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि हम इनमें गट्टे को अच्छे से बॉईल करेंगे, और इसमें मैंने जितने भी गट्टे की लोइयां बनाई थी वो मैंने डाल दी है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। अब जब ये बॉईल हो जाएगा, थोड़ा आप पता कैसे चलेगा, जब ये बेसन ऊपर आने लगे ना तब समझना कि आपका गट्टा बॉईल हो चुका है। फिर मैंने इसे निकाल लिया है और कट कर लिया है। फिर मैंने देखा प्याज, टमाटो, धनिया पत्ता और मिर्ची को चॉप कर दिया है। मैंने एक कढ़ाई गरम की है, उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं उस गट्टे को पहले फ्राई करूंगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, सेमी फ्राई करेंगे ताकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगे। इसे फ्राई करके निकाल लूँगी थोड़ी देर बाद, और फिर मैं उसी कढ़ाई में गट्टे की सब्जी बनाऊंगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करा है, फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाला है, 1 टेबलस्पून सरसों डालूंगी, 1 तेज़पत्ता डालूंगी, 1 रेड चिली डालूंगी, और ये सारे डालने के बाद जो मैंने प्याज चॉप किया था उसे भी इस कढ़ाई में डाल के प्याज को अच्छे से लाल होने तक फ्राई करूंगी। जब मेरा प्याज अच्छे से लाल हो जाएगा तब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट देकर उसे अच्छे से मिलाऊंगी। जब ये अच्छे से मिल जाएगा फिर मैंने जो टमाटर को चॉप्ड किया था ना वो मैं अच्छे से डाल दूंगी। फिर मैं उसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। फिर इन सब मसालों को अच्छे से भूजूंगी, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। मैंने जो हरी मिर्ची काटी थी वो भी मैंने अभी डाल दिया है। फिर मैं इसे ग्रेवी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी से पक चुकी है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच मलाई की डालूंगी। आप घर की भी मलाई यूज़ कर सकते हो, या बाहर अमूल क्रीम या कोई भी क्रीम जो आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हो। फ्राई करने के बाद मैंने गट्टा डाल दिया है इसमें, जो मैंने गट्टा फ्राई करके रखा था। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा देर भूनेंगे ताकि गट्टा जो है मसाला में ऑब्जर्व हो जाए। फिर मैं इसे
अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करूँगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये सब्जी राइस के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। फिर मैं इसमें राइस ये वाटर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर मिक्स करने के बाद मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने में, और ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, आप देख सकते हो। देखने में जब इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके साथ और भी ज़्यादा रेसिपी शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।